Dear student of 10th class, let us start today third exercise of 5th chapter. In this exercise, we learn sum of APs. ठीक है, find the sum of following APs. नीचे कुछ AP आपको given है. देखिए, in the first question, first part में आपको क्या given है? 2, 7, 12, 2, 10 terms. अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए. फर्स्ट टर्म क्या है? 2, सेकंड 7, थर्ड है 12. कितनी टर्म है? 3. 1, 2, 3. ऐसे हम 10 टर्म्स लिख दें, 3 ये 7 और आगे लिख दें, तो उन 10 टर्म को लिखने के बाद सभी का सम क्या होगा? दिस इज नॉट लास्ट. लास्ट टर्म 10th नहीं है. फर्स्ट 2, 7, 12, 19 एंड सो ऑन. ऐसे ही 3 हमने राइट किया, ऐसे ही हम कहां तक राइट कर दे, 10 टर्म अगर राइट कर दे तो उन 10 टर्म का सम क्या होगा? यानी जो 10 की वैल्यू है वो n है. इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10. हियर फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस में 2 इज इक्वल टू 5 एंड n इज नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी है? 10. इस चीज को ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ टर्म क्या है? 10. तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है Sn, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स. Sn सम ऑफ n टर्म हमें फाइंड करना है. n बाय 2, n इज 10 बाय 2, 2a इज 2 प्लस में n, n माइनस 1 एंड d इज 7 माइनस 2, 5. 10 टू जा 2, 10 2, 5 जा 10. क्या आ गया यहाँ पे? 5. ब्रैकेट शुरू. 2 टू जा 4 प्लस में 10 माइनस 1 कितना रह गया? 9 मल्टीप्लाई में क्या है? 5. 5 प्लस 4 प्लस, पहले मल्टीप्लाई ओपन हो गई, 9 5 जा 45. 5 4 और 45 कितने हो गए? 49. ब्रैकेट में इंटू से मल्टीप्लाई. अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 9 जा 45, कैरी लगी 4, 5 4 जा 20, 245. जो ऐसी ऐसी हम 10 टर्म्स लिखेंगे उनका सम क्या होगा? 245. नाउ कम टू इट सेकंड पार्ट, यू विल ट्राई योर सेल्फ. नाउ आई विल डू थर्ड पार्ट. हेयर वी हैव गिवन एपी. जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें पी क्या है? 0.6, सेकंड टर्म 1.7 एंड नेक्स्ट इज 2.8, 200 टर्म्स. अब आपको समझ आ गया ना, 100 टर्म्स, 1, 2, 3 टर्म इन्होंने लिख दिए हैं. आगे हम 97 टर्म और लिखें और कितनी टर्म हो जाए? 100 टर्म. फिर उन सभी का सम करके जोड़ करके आपको बताना है क्या है. हेयर फर्स्ट टर्म इज 0.6, डिफरेंस इज 1.7 माइनस 0.6 एंड नंबर ऑफ टर्म, टोटल टर्म्स कितनी है? 100. तो यहाँ पे डिफरेंस निकालती हूँ मैं, 7 ये आ जाएगा 1.1. नाउ फॉर्मूला इज एस एन, एन बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, n, n इज 100 बाय 2, 2a इज 0.6 प्लस में n क्या है हमारा? 100. 100 माइनस 1 करती हूँ तो कितना रह जाएगा? 99 एंड d की वैल्यू हमारी क्या है? 1.1. नाउ सोल्व इट. 2 पे कट करोगे कितना आ गया? 50 और इसकी 2, 6 जा 12, 1 के बाद डेसिमल प्लस में 99 की 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 11 9 जा 99, कैरी लगी 9, 99 और 9 108, एक के बाद क्या लगाओगे? डेसिमल. यहाँ पे आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज डेसिमल को हटाइए, 12 अपॉन में 10, सिमिलरली 1089 अपॉन में 10. नाउ टेक इट एलसीएम. एलसीएम आपका क्या आ गया? 10 और इसको इसमें ऐड करोगे, एड किया 1101, ठीक है. नाउ 50 ब्रैकेट को ओपन करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10,
जीरो से जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 0 1 1। सिमिलरली हेयर एज 1/15, डिफरेंस 1/12 माइनस में 1/15, टेक इट एलसीएम, दैट इज 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 1/60 इज योर डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म इज 11। सिमिलरली एस एन एन बाई 2, 2a + n - 1 × d, वैल्यू पुट कीजिए 11, n की वैल्यू क्या है 11/2, 2, a इज 1/15, n - 1, n हमारी 11 है, 11 में से 1 तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस में 11 - 1 10, एंड d इज 1/60। हेयर 11/2 सेम एच, 2 1 जा 2 अपॉन में 15, प्लस में 10 से मल्टीप्लाई में है कैंसिल होगी, प्लस से इधर वाला पोर्शन अलग से सोल्व कीजिए, राइट वाला अलग से, तो 1 1 जा 1 अपॉन में क्या रह गया 6। नाउ टेक इट एलसीएम, ब्रैकेट के अंदर है 12 15 और 6 का आप एलसीएम लोगे वो क्या आ जाएगा 30। 15 2 जा 2 2 जा 4, 6 5 जा 50, 11/2 मल्टीप्लाई में 5 और 4 9/30, 11 9 जा 99 अपॉन 3 2 जा 60, आप इसे 3 पे कट करो, 33 अपॉन में 3 2 जा 30, 3 अपॉन 20।